नमस्कार जी, मैं मंजू आपकी फरमाइश पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ। वैसे रोज़ प्लांट में मैंने खूब सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो पुराने प्लांट्स को मैं अभी जो ट्रांसप्लांट कर रही हूँ कुछ नई मिट्टी डाल के और खाद डाल के। तो वैसे आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो नंबर 640 आप मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में जानकारी दी हुई है कि कौन कौन सी चीज़ मैंने इस्तेमाल की है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो आज ये सब चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगी, आज बस जो मैं ये लगाना सिखाऊँगी, मिट्टी बनाना सिखाऊँगी और कुछ नया नई नई चीज़ें भी मैं इसमें कर रही हूँ, और जो लास्ट टाइम की थी उससे अलग कर रही हूँ। और बाकी जो रिज़ल्ट हैं फिर आने पे देखेंगे। और कुछ एक मैंने जो प्लांट्स हैं 21 तारीख को वो ट्रांसप्लांट किए थे, तो उन पे न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये मेरा एक हाइब्रिड टी रोज़ है, तो खूब सारे फ्लावर्स अभी भी आ रहे हैं इनमें। तो कुछ एक प्लांट्स मैं कर चुकी हूँ और कुछ अभी मैं करूँगी, और मैं अभी एक आपको करके बताऊँगी। ये मैंने जो 21 तारीख को ये ट्रांसप्लांट किए थे नई मिट्टी और खाद डाल के, तो इनमें ये ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, और इनकी कटिंग्स निकाल के इनके साथ ही गमलों में मैंने ऐसे ही दबा दी है। तो इस टाइम इनकी कटिंग्स भी बड़ी जल्दी तैयार हो जाती है। तो आज साथ के साथ जो हम कटिंग करेंगे एक प्लांट की, वो मैं साथ में गमले में भी लगा दूंगी, और फिर हम उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे कुछ दिनों बाद में। हालांकि ये जो कटिंग मैंने इसी प्लांट की, जब मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया था तो ये इसी गमले में ऐसे लगा दी है, तो इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी रूट्स बन गई होंगी। तो अभी किसको लगाए थे, 30 तारीख है, तो आप हिसाब लगा लो अभी कुछ एक दिन ही हुए हैं। तो वैसे 2 हफ्तों में इसका जो कैलस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है। चलो अब हम काम करते हैं। ये मेरा ब्लैक टाइगर रोज़ है, ये कुछ दिनों पहले भी ये खूब सारे, ये देखिए फ्लावर्स दे रहा है, ये सब ढेर सारे इस पे फ्लावर्स आए हुए थे। तो इसको मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, और अगर ये कांटे हों इनमें, इस पे तो कांटे नहीं हैं, और इस पे स्टेम पे कांटे थे। तो ये गर्मियों में मेरी एक ये स्टेम सूख गई थी, खूब फंगस की प्रॉब्लम आ गई थी, बड़ी मुश्किल से इसको बचाया, क्योंकि मेरे जो घर के साथ घर बन रहा है, मैं नीचे ले गई थी प्लांट्स, और बिल्कुल वहाँ छाया आ गई है, और अभी तक काम चल ही रहा है उन लोगों का। तो फिर इसे बिल्कुल भी धूप नहीं मिल पा रही थी, और पानी जो है मिट्टी गिल्ली रह रही थी, तो उससे ये प्रॉब्लम हो गई। पर फिर भी मैंने इसे बचा लिया, पर मेरा एक इस बार मेरा पौधा जो है मर गया, वो ऑरेंज कलर के इतने गुच्छों में उसमें फ्लावर्स आते थे। तो जब भी ये कांटे वाले ये जो प्लांट्स हो, ये तो इसमें तो है नहीं, तो आप कुछ मोटा कपड़ा लेके, ये मोटा कपड़ा लेके ताकि हाथ में कांटा ना चुभे, लेके फिर इसको खींचना है, पौधे को निकालना है। तो मैं अभी इसको निकालती हूँ, तो क्योंकि ये मिट्टी जो मैंने ज़्यादा इस्तेमाल इसमें बर्मी कंपोस्ट की है, तो वो बिल्कुल भुरभुरी होती है, तो मुझे इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी मैं निकालती हूँ इसे। तो पौधे को निकालने से पहले हम थोड़ी पहले मिट्टी तैयार कर लें। ये जो मिट्टी है, ये रेतली मिट्टी जो ये लाल रंग की है, मैंने मूँगफली के लिए मंगवाई थी, तो कुछ मेरे पास फ्रेश बची हुई थी। तो इस मूंगफली में पानी की खूब ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने देखा कि उसमें बिल्कुल भी फंगस की प्रॉब्लम नहीं आई है। वैसे तो धूप में जब प्लांट पूरा दिन रहता है, तो धूप जो है अच्छा फंजीसाइड का काम करती है नेचुरल तौर पर फिर भी कई बार फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने ये देखा कि जिस चीज़ में रेत मिला हो, तो मैंने इसमें रेत नहीं मिलाया, अपने आप ही जो कुदरती तौर पे खेतों में जैसे मिला होगा रेत, रेतली मिट्टी, तो ये मैंने थोड़ी ले ली है। और बाकी ये थोड़ी सी मिट्टी, ये मैंने लास्ट टाइम जो इस्तेमाल किया था काली मिट्टी का किया था, तो ये काली मिट्टी मेरे गार्डन की, ये देख रहे होंगे आप, रूट्स जमा हुई हैं, ये मैं दिखाने के लिए रखा है, ये रूट्स भी देख रहे हैं ना आप, ये हल्की हल्की हल्की, तो इसमें एक छोटे से उसमें छोटे से पोट में, जरा सी वो प्लास्टिक बकेट में छोटी सी, उसमें मैंने एक कोक्स कोम का छोटा सा पौधा लगा रखा हुआ था, तो वो मैंने निकाल दिया है, और ये काफ़ी दिनों की सूखी पड़ी थी, ये दिखाने के लिए। तो इसी को मैंने ऐसे तोड़ के, ये देखिए, तो ये थोड़ी सॉफ्ट होती है मिट्टी, तो इसमें पहले की जो है मेरे गार्डन की जो खाद वगैरह भी कुछ मिली होगी, जैसे कि जब मैंने कोई प्लांट लगाया होगा तो उसमें होगी, तो यही देखिए ये भुरभुरी होगी। तो कुछ मिट्टी मैं ये थोड़ी सी ये मिला रही हूँ, ये जो मेरे गार्डन की पुरानी मिट्टी है, और कुछ मिट्टी मैंने ये नई ली है, और इतनी ही जितनी ये मिट्टी है इतनी ही मैं अच्छी तैयार गोबर की खाद, तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट ही हो रहा अभी,
तो गोबर की खाद जो है, क्योंकि पहले ज़माने से ये लोग गोबर की खाद का इस्तेमाल करते आए हैं अपने खेतों में, तो बहुत ही बढ़िया खाद होती है, तो ऐसी भुरभुरी खाद जो बिल्कुल तैयार खाद है। तो इतनी ही मैं, लास्ट टाइम मैंने जो है बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया था, इस बार ही मैं ये गोबर की खाद, इतनी ही गोबर की खाद मिला लूंगी मैं। तो ये फिर इसको मिक्स कर देंगे, और कुछ मिट्टी में, काफ़ी कुछ मिट्टी में गुलाब की पुरानी झाड़ दूंगी, अंदाजे से ये इतनी डाल दी है मैंने, तो क्योंकि ये गुलाब जो होते हैं बड़े हैवी फीडर होते हैं। और अब इसमें मिट्टी में मैं, जैसे कि हमेशा की तरह बताती हूँ मैं, इसका दालचीनी का जो पाउडर मैंने ये अपने गार्डन में पीस के रखा हुआ है, तो ये तो आइसक्रीम का चम्मच है, टीस्पून भी बिल्कुल छोटा सा, तो ये थोड़ा फ्लैट है, इसमें भी कम ही आता है, तो इतना सा मैं ये दालचीनी का पाउडर इसमें मिक्स करूँगी। तो इसमें भी खूब सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो अभी मैं बताऊंगी नहीं कि इसमें क्या क्या, क्योंकि वीडियो नंबर 640 में आप जान लेनी, तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और काली मिर्च, काली मिर्च में तो खूब सारा पोटाशियम पाया जाता है, आयरन और भी ना जाने क्या क्या कुछ होते हैं, तो काली मिर्च का ये मैं एक भरा पूरा ये डाल दूंगी। और ये फंजीसाइड का भी अच्छा काम करता है, दोनों चीज़ें फंजीसाइड का भी काम करती हैं, क्योंकि इसमें जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो इसका काम करती हैं। तो ये थोड़ा और भी जो बचा मैंने ये भी डाल दूंगी। तो ये अब हमने डाल दिया, और जो पानी जब मैं दूंगी, तो 1 लीटर पानी है इस मग में आता है, और इसमें जैसे कि मैंने एक और फंजीसाइड आपको बनाना सिखाया था, और 2 लीटर पानी में मैंने बोला था कि एक जो है टीस्पून आप फिटकरी डाल देना, तो मैं ये हल्की सी ये फिटकरी, ये थोड़ी सी बिल्कुल, ये 1 लीटर पानी में ये इसमें मिला दूंगी। जब हम बाद में पानी देंगे तो ये वाला पानी देंगे, और तब तक ये अच्छे से घुल भी चुकी होगी, जैसे कि ये तब तक ये पड़ा रहेगा, ये घुल जाएगी अच्छे से, और तब तक हम मिट्टी ये बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा। और अब हम जैसे केले के छिलके, ये तो केले के छिलके में इतना ज़्यादा रस नहीं होते, इतना ज़्यादा इसमें जूसी नहीं होते, इसलिए ज़्यादा फंगस वगैरह की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो सीधे आप मिट्टी में दबा दो, और जब हम धूप में रखते हैं, और अगर ये छिलके हैं आपके संतरे के, ये भी ज़्यादा जूसी नहीं होते, थोड़ी सी धूप लगे तो सूख जाते हैं और ये अपना असर दिखाते हैं, तो इनको आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। तो आप चाहें इनको सुखा लें, पाउडर बना लें, तो आजकल तो संतरे खूब मार्केट में आ रहे हैं, और ये सब इसको मिक्स कर देना है आपने, अच्छे से मिक्स कर देना है। और एक जो बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है वो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, कि लकड़ी की राख मेरे गार्डन में जो हमेशा मैंने रखी हुई होती है, और ये भी जो लकड़ी की राख हम डालते हैं, इसमें खूब सारा कैल्शियम और पोटाशियम तो होता ही है, और इसके अलावा ये पौधों की रूट्स को भी अच्छा रखती है। तो एक मुट्ठी से थोड़ा सा कम डाल रही हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी मैं उसमें भी गमले में भी मेरी होगी, थोड़ी मिट्टी निकालूंगी, थोड़ी रहने भी दूंगी, तो ये इतनी मिला ली। वैसे मैं एक गमले में एक मुट्ठी डालती हूँ, तो ये मैंने ऐसे डाल दी है। और इसमें ये भी हमारा जो राख भी है, एक पेस्टिसाइड का भी काम करती है, इस तरह से जब ऊपर कीड़े वगैरह जैसे लगे होते हैं, सैप सकिंग इंसेक्ट लगे होते हैं, तो वो उन पे हम ये इसका छिड़काव कर देते हैं, तो फिर वो हमारे काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। तो अब हमने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से इन चीज़ों को, ये देख रहे हैं ऐसे, तो बाद में जब हमारी ये इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें कोई कमी पेशी लगेगी, तो आप फिर जो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र घर में कुछ भी बना सकते हैं, आपके बहुत सारे जैसे केलों के छिलकों को 4-5 दिन पानी में भिगोया तो वो पानी आप दे दें। तो ये हो गया हमारा। तो ये आप ड्रेनेज सिस्टम देख रहे हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया है, और मैं अभी मिट्टी भी उसकी दिखाऊंगी, और ठिकरी के बजाय मैं ये घास फूस जो अपने गार्डन का मैंने निकाला है, तो ये नीचे थोड़ा सा डाल दूंगी, तो इससे ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहेगा। इस तरह से ये मोटी मोटी ऐसे लकड़ी भी मैंने ये कोस मूस जो हटाए हैं, आज ट्रांसप्लांट कुछ किए हैं, पुराने हटाए हैं, तो ऐसे डाल लिए हैं मैंने ये इस तरह से। अब इस पे इसमें मैं जो है वो अपनी मिट्टी डालूंगी जो अभी हमने बनाई है। अब मैं पौधा भी दिखाती हूँ आपको जो निकाला है।
तो मैंने ये अपना ये प्लांट ये ऐसे निकाल लिया है, तो ये देखिए न्यू न्यू रूट्स भी इसकी बन रही हैं, और ये पुरानी जो चिकनी मिट्टी है ये मैं इसको हटा दूंगी थोड़ी सी, और ये जो मिट्टी मैंने नीचे डाली थी बर्मी कंपोस्ट को मिक्स करके, तो ये देखिए कितनी भुरभुरी है, और इसमें भी यहाँ से मैंने बर्मी कंपोस्ट ली थी तो वहाँ इसमें हल्की सी वो रेत मिली हुई है, ये देखिए नज़दीक से देखिए इतनी भुरभुरी है ऐसी, तो पानी नहीं रुकता था। तो आपने देखा होगा कि हमेशा इस पे जो फ्लावर्स बने रहते हैं, तो ये मैंने जो प्लांट निकाल लिया है, और इसकी मैं ये जो ये देखिए जो जब मैंने ट्रांसप्लांट किया था तो इसकी ये चिकनी मिट्टी ये है, ये कितनी चिकनी मिट्टी, ये देखिए काली मिट्टी चिकनी बिल्कुल ऐसे, तो इसको मैं थोड़ा थोड़ा ये हटा लूँगी। बाकी प्लांट्स में भी इस बार जो मैंने ट्रांसप्लांट की हैं तो उनकी भी मैंने ये हटाई है इस तरह से, तो कुछ एक मिट्टी हम इसकी हटा लेंगे, ये ऐसे हटा लेंगे, ये ऐसे हटा लेंगे, तो ये देखिए पूरे ढीले ये क्लंप देखा इसका पूरा, ये चिकनी मिट्टी है बिल्कुल चिकनी मिट्टी, तो ये बड़ा हार्डी प्लांट है, ये आराम से चलता है। तो मेरे यहाँ तो गर्मी भी बहुत होती है, गर्मियों में ये बिल्कुल चिकनी मिट्टी, ये देखिए ढीला ऐसे जमा हो गया, ये ऐसे इतने टाइम तक ये चला रहा, और ये जो मिट्टी निकाली रूट्स यहीं तक थी, इस मिट्टी में नीचे गई नहीं थी, बस ऐसे निकला है। तो ये ऐसे मैं निकाल लूँगी इसमें, ये काफ़ी कुछ मिट्टी है पुरानी, ये ऐसे ये इस तरह से, ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो, तो आप नए हैं तो इतना ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट मत करना, आप कहीं रूट्स ही डिस्टर्ब हो जाएं, तो क्योंकि इस टाइम थोड़ी रूट्स अगर मिट्टी निकाल देते हैं तो चल जाती है वो आराम से बरसात के दिनों में भी। और तो ये देखिए ढेले मैंने जो जब बैग में मेरे आई थी शुरू में मिट्टी आई थी, तो ये पूरे ढेले मैंने निकाल दिए, तो इतने टाइम में ये इसी मिट्टी में चल रहा था, तो आगे बस ये आगे मैं इतनी रहने दूंगी, पूरी ज़्यादा सारी नहीं निकालूंगी, ये थोड़ी सी क्योंकि रूट्स अब ये नीचे मेरी मिट्टी में फैलेंगी, तो अगर थोड़ी सी ये मिट्टी है भी है ऊपर ये लगी हुई तो ये इतनी सी निकाल ली है, ये देखिए पूरी सख्त मिट्टी जो ये सब निकाल ली है, और ये रूट सब अच्छी वाली मिट्टी में ये जाएंगी, और ये जो ऊपर ऊपर मेरी मिट्टी है ना ये उसी में ये न्यू ग्रोथ हो रही है, तो ये चिकनी मिट्टी यहाँ पे थी थोड़ी सी है, और ये इस तरह से। तो बस अब हम ये अपनी मिट्टी जो है थोड़ी सी मैं इसकी पुरानी मिट्टी भी जो ये ऊपर से निकाली है ना ये मैंने देख रहे हैं आप गुलाब की, तो ये बर्मी कंपोस्ट ये भी इसमें क्योंकि इसमें इसको चलने की आदत है ये ऐसे वाली, तो ऊपर जो बर्मी कंपोस्ट ये भी मैंने बाकी वाले गमलों में भी जो ट्रांसप्लांट किए हैं उनमें भी मैंने ये थोड़ी सी ये भी मिक्स कर ली इसमें, और बाकी इतना जो रूट ये वॉल है ना इतना मैं रहने दूंगी, इसको डिस्टर्ब नहीं करूंगी क्योंकि ये नीचे की जड़ें तो हम निकाल ही चुके हैं। तो अब हम मिट्टी भरेंगे इसकी, तो अब आगे देखते हैं हम ये केले के छिलके और संतरों के छिलकों को मिक्स करके और बाकी चीज़ें बना के मैंने इतनी मिट्टी ये डाल दी है, तो अब अंदाजे से मुझे लग रहा प्लांट आ जाएगा हमारा बैठ जाएगा, तो ये प्लांट को उठा के हम अब ये ऐसे रख देंगे इसमें रख देंगे ऐसे करके सेंटर में रख देंगे, और बाकी मिट्टी जो हमारी बची है तो इसको हम डालते जाएंगे, तो बस ये मिट्टी डालनी है इस तरह से, रूट्स पूरी ढक देनी है जो ये जो बनाई है, तो मैं अब करती जाती हूँ नहीं तो फिर मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आगे हम इसकी कटाई छटाई करेंगे। तो मैंने ये मिट्टी अच्छे से ऐसे दबा दी है, तो अंदाजे से हमारी पूरी सही मिट्टी पूरी बनी थी, तो आप चाहें तो जैसे ये ऊपर की मिट्टी है ना ये अच्छी वाली ये भी इसमें डाल सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, तो ये नीचे मैंने डाली हुई थी तो यहाँ तक रूट्स ही नहीं गई थी उसकी, तो ये देखिए ढीले वाली पूरी मिट्टी ये सारे इतने सख्त ढीले, तो ये मिट्टी जो गमले की निकाली है हमने और ये नई मिट्टी डाली है, तो अब मैं काट छाट गया ऐसे ये सूख रहे हैं वो सब निकालूंगी कटिंग करके, तो फिर बताती हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे ये जो सूखी हुई है हमारे ये सूख गए हैं, और जो ये जहाँ पे हमने ग्राफ्ट किया है ग्राफ्ट के नीचे से जहाँ पे ग्राफ्ट किया है ना इसके नीचे से कोई भी अगर न्यू ग्रोथ होती है तो उसको आपने कट कर देना है, तो वो जंगली होते हैं जिस पे कि ग्राफ्टिंग की हुई है, तो वो फिर हमारे ये प्लांट को बढ़ने नहीं देंगे, तो मैं काट छाट करके ये फिर बताती हूँ क्योंकि काट छाट वाला वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, तो फिर ये इसको भी सब काट देंगे और जितने भी हिस्से जो ये कट लगे होंगे उन पे हम फिर नेल पेंट लगा देंगे उन पे, ताकि जो हमारे ये है उस पे फंगस वगैरह का अटैक ना हो, क्योंकि जो नंगे सिरे होते हैं जब कट लगे हुए सिरे होते हैं तो उनमें फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है, तो ये अभी मैं करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ।
जहाँ अगर मैं आपके सामने ये करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैमरा इतना ऊंचा मेरे लिए सेट करना मुश्किल हो जाएगा कि मैं किस तरह से करूँगी। तो मैं करके फिर बताती हूँ। मैं ऐसे करूँगी, ये यहाँ से कर दूँगी, ये यहाँ से ये कट कर दूँगी, ये देख रहे हैं ये यहाँ से कट कर दूँगी, पत्तियाँ सारी उतार देनी है आपने इसकी। तो ये मैंने, ये इतनी कटिंग निकली है मेरी, ये मैंने कट कर दिया है। अगर हम टाइम से इसकी प्रूनिंग करते हैं सही टाइम पे तो ये हमारा ठीक रहता है, और कई बार हम बिना टाइम के ऐसी प्रूनिंग कर देते हैं तो वो फिर वो हमारा जो सूखने भी लगता है। तो इस तरह से हो गया है। तो अब इन सिरों पे, जो कटे हुए सिरों पे, मैं नेल पेंट लगा दूंगी, क्योंकि इसके जो पोर्स खुले होते हैं तो इससे फंगस का अटैक हो सकता है, और फिर ये हमारी स्टैम्प जो कुछ सूख भी सकती है। तो हमें इसको बचाने के लिए अभी मैं नेल पेंट लगाऊंगी। ये मैंने जो नेल पेंट लगाया, ज़रूरी नहीं कि आप ये वाला नेल पेंट लगाएं, आप जो दरवाजे वगैरह पे करने वाला पेंट हो तो वो भी लगा सकते हैं। बस हमें मतलब ये होता है कि एक कोटिंग सी जमा हो जाए और इसके पोर्स बंद हो जाए, तो यही है हमें। तो अब इसे हमें प्लांट को ऐसी जगह में रखना है जहाँ पे छत पे ही रखना है, हल्की धूप आती हो। तो मैं उसे, क्योंकि रूट्स इसके काफ़ी डिस्टर्ब हो चुकी हैं, तो इसको मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर पुराने प्लांट्स रखे हैं, कोई सुबह की 3-1 घंटे की धूप आ जाए तो ठीक है, जब अच्छे से चलने लगेगा फिर मैं इसे फुल सनलाइट में रखूँगी। तो मेरे ये छत की दीवार है, और दीवार के बस ये पास ऐसे रख दिया है, थोड़ा सा दूर रखा है तो इसमें कुछ देर धूप आती है। ये अभी सुबह ट्रांसप्लांट किए तो ये यहाँ पे रखे हैं, तो 3-4 घंटे के यहाँ पे 3-1 घंटे की धूप आ जाए तो वहाँ पे रख दें। तो इसमें अब मैं फिटकरी वाला जो पानी, हल्की सी फिटकरी मिलाई थी, तो वो भी ये मैं ये दे दूँगी ऐसे। तो ये जो आपके केले के और कुछ छिलके जैसे मिक्स किए थे ऊपर भी आ रहे हैं, तो इनके ऊपर जो आप जो आपकी खाद निकली है वो भी दे सकते हैं, ये नीचे दब जाएंगे तो फिर ज़्यादा असर करेंगे। तो ये पूरा मग मैंने पानी का अच्छे से दे दिया है इसमें, ये इस तरह से दे दिया। तो ये हो गया। तो अब हम कटिंग लगाएंगे इसकी, गुलाब की कटिंग को जो प्रूनिंग की थी, काट छाट के ये कलमें बारीक बारीक सी निकली हैं, और ये नीचे का हिस्सा जैसे ये कट लगा पहचान होगी, ऐसे लगा दो, सीधे लगा दो, और ये ऊपर का हिस्सा पहचान होगी, और ये इसमें कुछ भी लगाने लायक नहीं है। तो ये हम इस पोट में मैं ऐसे लगा दूंगी, सीधे ऐसे लगा दूंगी बस ऐसे, और यहाँ से ये भी कटे हुए हिस्से हैं ऐसे दबा देंगे हम, इतना 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 हिस्सा ये नीचे दबा देंगे ऐसे ऐसे। ये कम से कम अगर 3-4 ये गांठ हो, ये जो है लीफ नोड हो, तो रूट्स जो है उसमें जल्दी बनती हैं। तो इस तरह से मैं अब ये आपके सामने ये ऐसे लगा दूंगी, फिर मैं बताती हूँ आपको। तो ये हमने कटिंग पूरी ये ऐसे लगा दी है, और जो ये कटे हुए हिस्से हैं इस पर भी मैंने नेल पेंट लगा दिया है, और इसको अच्छे से ऐसे दबा देना है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी, इस तरह से ये पूरा अच्छे से दबा देना है पानी से, ये मिट्टी हमारी बैठेगी। तो ऐसी जगह आपने इसको रखना है, रखना तो यहाँ की खुली हवा वगैरह आए, खुली जैसे, पर तेज़ धूप ना लगे। तो मैं बड़े बड़े प्लांट्स के ये पीछे रखूँगी इसको। तो मैंने लास्ट टाइम जो है, क्रिश्चन आंटी है मेरे पड़ोस में, तो उनको दी थी, तो उन्होंने प्लास्टिक की टोकरी में ऐसे पतली पतली कटिंग लगा दी थी। तो पौधे की ग्रोथ तो उसने खूब सारी, उन्होंने पता नहीं कई तरह की, मैंने जो अपने काटी थी बारीक बारीक कटिंग उन्होंने लगा दी थी। तो इसमें ब्लैक टाइगर रोज़ पे भी उनके फ्लावर्स आए, तो इस बारी मैंने कहा चलो मैं ही लगा के आपको दिखा देती हूँ। तो इस प्लांट उनका बहुत ज़्यादा बड़ा जैसे नहीं बना, जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उस तरह से नहीं बना, पर यह है कि उस पर जो फूल आए उनके, छोटा सा प्लांट रहा पर फूल आए। तो अब बड़े दिनों से मैंने पूछा ही नहीं उस पौधे का क्या हाल चाल है। तो ये हमारी कटिंग लगी है, बस इसको ऐसे अच्छे से दबा देना, ऐसे हिले ना ये, और ऐसी जगह पे रख देना यहाँ पे। तो मैं गुलाब के वीडियो इसलिए नहीं बनाना पसंद करती, क्योंकि बहुत लंबे बन जाते हैं और फिर आपको पता नहीं देखने में भी परेशानी होगी, फिर मुझे नहीं मालूम। तो फरमाइश थी इसलिए मैंने बना दिए। तो मैं तो एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी तो फिर हमें नई चीज़ों का पता चलता है कि कौन सी क्या चीज़ है क्या नहीं ऐसे। तो ये हमारा लग गया, और अब मैं इसको ऐसी जगह में रख दूँगी यहाँ पे, सीधी धूप, तेज़ धूप ना पड़ती हो, पर बहुत ज़्यादा मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना है, बहुत ज़्यादा गिल्ला भी नहीं रखना है कि इसमें फंगस ही आ जाए। तो चलते चलते ये दिखा दूँ, कल जो मैंने ट्रांसप्लांट किए थे ये पौधे थे, सुबह बादल थे, तो ये कुछ दिन पहले जो किए थे। तो इसमें जो है ये घने घने आप लगा देना, ये कैंडिडफ के तो बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से धूप आ रही थी तो मैंने अब नेट दे दिया था ऐसे,
नेट ऐसे इस तरह से, ताकि सीधे धूप ना पड़े, तो उससे पौधों में मॉइस्चर जो बना रहता है और फिर लगने के चांसेस ज़्यादा आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। 640 वीडियो देख लें, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है क्या क्या चीज़ें क्या कैसे काम करती हैं, और बस यही सब जानकारी है। और पानी गुलाबों में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ज़रूरत भर का पानी देना है। और जब ये अच्छे से चलने लगेंगे तो फिर मैं जैसे इन्हें जो ज़्यादा तेज़ धूप में रखूँगी फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। नमस्ते जी।